दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास रेड कलर की साड़ी है। इस पर गोल्डन कलर के बूटीज किए हुए हैं, गोल्डन कलर की ही बॉर्डर दी हुई है। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। सो चलिए इसको हम ड्रेप करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन हमें राउंड लेना है। उसके बाद में आता है पल्लू का पोर्शन। सो देखिएगा, यहाँ पर अब मैं इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से अरेंज करना चाहूँगी, जिसकी वजह से आपका जो लुक है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। सो हमें इसकी जो चौड़ाई है वो कम रखनी है। ज़्यादा चौड़ाई में पल्लू की जो प्लीट्स है उसको मैं अरेंज नहीं करना चाहूँगी। सो इस तरीके से बनाऊँगी। आपको अगर किसी भी फंक्शन में वगैरह साड़ीज इस तरीके से वेयर करनी है जो कि ट्रेडिशनल वगैरह है, सो इस टिप्स के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आएगी। सो सबसे पहले हमें पल्लू का पोर्शन बना लेना है। फ्लफीनेस हमारी साड़ी में है, सो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसको सेफ्टी पिंस लगा कर सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसको हाथ से प्रेस करते हुए पल्लू का पोर्शन हमें यहाँ पर बना लेना है कुछ इस तरीके से। सो कुछ इस तरीके से पल्लू का पूरा पोर्शन हम सेफ्टी पिंस लगा कर बना लेंगे। आपकी साड़ी अगर फ्लफी है इसी टाइप की, सो इसको पेपर सिल्क साड़ी हम कहेंगे। सो इसको अगर अच्छी तरीके से ना ड्रेप किया जाए तो फ्लफीनेस बहुत ज़्यादा आता है। सो इसीलिए सेफ्टी पिन लगा कर पहले हम बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पर जो सामने की तरफ से पोर्शन आता है ये भी काफ़ी फ्लफी आता है। सो इसको जो भी अंदर के प्लेट्स बनाए थे उसी को रखेंगे और इसी को हम फॉलो करते हुए हाथ से प्रेस करते हुए लेकर जाएंगे। शोल्डर पर पिन लगा ली है और लगाने के बाद यहाँ पर जो भी प्लेट्स आते हैं उसको इसी तरीके से अरेंज करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो देखिएगा, एकदम परफेक्टली हमारी जो पल्लू का पोर्शन है वो बन चुका है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो बॉर्डर है इसको खींचते हुए सामने की तरफ लेकर आना है और राइट वाले पैर पर यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है। बॉर्डर को तिरछा लाएंगे। अब यहाँ पर जो भी फ्रंट प्लेट्स हैं उसको बना लेंगे। फ्रंट प्लेट्स ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा भी छोटे नहीं, मीडियम लेंथ के बनाएंगे। लंबाई में अगर आपकी साड़ी काफ़ी लंबी है तो आप थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। सो देखिएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा भी प्लेट्स आ जाएंगे तो यहाँ पर फ्लफीनेस भी आ सकता है और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फ्लफीनेस आता है तो वो अरेंज नहीं हो पाते ना, इसीलिए। अभी इस तरीके से अच्छी तरीके से हाथ से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इसको अब मैं कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिंस लगाकर अच्छे से सेट करना चाहूँगी। और अच्छी तरीके से सेट करने के बाद हाथ से ही मैं इसको प्रेस करूँगी। और अच्छी तरीके से हाथ से अगर हम प्रेस करते हैं इसे तो इसका फ्लफीनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो यहाँ पर एक पिन लगा ली है और पिन लगाने के बाद नीचे का जो भी पोर्शन अभी आया है, प्लेट्स आए हैं, उसको भी हम कुछ इसी तरीके से अरेंज करेंगे, नीचे की तरफ लेकर जाएंगे इसी तरीके से। और एक एक करते हुए एक एक प्लीट को हमें हाथ से प्रेस करते हुए जाना है। इससे आपकी साड़ी जो है वो काफ़ी बेहद सुंदर दिखेगी। कई बार हमारी साड़ी बहुत ही सुंदर होती है लेकिन उसमें काफ़ी फ्लफीनेस होता है, इसकी वजह से हम उसको पहन नहीं पाते। सो इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पर टकिंग कर देंगे। अंदर की तरफ जहाँ पर हमने पिन लगाई थी वहीं पर नीचे की तरफ एक प्लीट हमने छोड़ दी है। सो देखिएगा, ये वाला जो फैब्रिक है वो नीचे से हम निकाल लेंगे। जो भी राइट साइड का पोर्शन हाथ है उससे हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। पिन तो हमने पहले लगा ली थी फिर भी, सो इससे यहाँ पर एकदम फ्लफीनेस तो कम हो ही जाता है और नीचे से भी हम इसको नीचे की तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर भी मैं इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना चाहूँगी, नीचे से भी हम इसको अरेंज करेंगे, नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर जाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाना है क्योंकि ऊपर की तरफ खींचता हुआ आता है इसलिए। अभी सामने के जो प्लेट्स हमने बनाए थे उसको भी मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करना चाहूँगी और एक यहाँ पर पिन लगा कर इसको अच्छे से सेट करना चाहूँगी। कुछ इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। सो इसका फ्लफीनेस थोड़ा सा इससे बहुत ही काफ़ी हद तक अच्छा कम हो जाता है, फ्लफी बिल्कुल भी नहीं लगता। और बॉर्डर भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से भी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर ज़्यादा ही फ्लफीनेस है तो एक दो प्लेट्स लेकर आप इसको अंदर की तरफ एक पिन भी, सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। इससे फ्रंट प्लेट्स एकदम जो फुले फुले हैं वो बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करना चाहूँगी। अभी हो जाने के बाद पूरा ड्रेपिंग कंप्लीट, एक बेल्ट इस पर लगाएंगे, इसका फ्लफीनेस एकदम कम हो जाएगा और बेल्ट के साथ में इसका जो लुक है वो और भी एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी ड्रेपिंग आई है।
परफेक्टली लुक आया है। पीछे का जो पल्लू का पोर्शन है वो भी हमने बेल्ट में लिया है, इसकी वजह से ये लुक भी सुंदर लगता है। और साउथ इंडियन स्टाइल में ये ड्रेपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं सेकेंड स्टाइल की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, ऊपर के जो सेफ्टी पिन हमने लगाए थे उसको सिर्फ निकालना है और सामने की तरफ ये वाला जो अभी पल्लू का पोर्शन हमने बनाया था उसको लेकर आना है कुछ इस तरीके से। अभी लेकर आने के बाद इसको पीछे से मैं सामने की तरफ यानी कि लेफ्ट वाले शोल्डर पर ही इसको सामने की तरफ लेकर आऊँगी कुछ इस तरीके से। इसका सेकंड राउंड नहीं लेना है इस ड्रेपिंग में। सो इस तरीके से लेकर आएंगे और शोल्डर पर पिन लगा कर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी नीचे की तरफ आप जो फैब्रिक देख रहे हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से रिंकल्स आने चाहिए, इस तरीके से हमें अरेंज करना है। तो पिन निकाल देंगे और एक दो प्लेयर्स भी इसकी हमें इस तरीके से थोड़ी सी निकाल लेनी है। और निकालने के बाद आप देख ही सकते हैं इसके जो है तो लेफ्ट साइड से रिंकल्स बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें पिन लगा लेंगे। सो इससे हमारे जो रिंकल्स है वो भी उभर कर दिखाई देते हैं, थोड़े नीचे की तरफ भी यहाँ पर साड़ी का पोर्शन दिखाई देता है। सो इससे बहुत सुंदर लुक आएगा। अब जो पल्लू बनाता वक्त हमने पिन्स लगाए थे वो सारे निकालेंगे। ऊपर की जो बॉर्डर है आप देख ही पा रहे होंगे और ये वाली नीचे की बॉर्डर है, नीचे की बॉर्डर कुछ इस तरीके से सेट करना चाहेंगे। ऊपर की बॉर्डर कुछ इस तरीके से पीछे से हम लाएंगे इसको, पीछे से लाते हुए यहाँ पर मैं सामने की तरफ इसको लेकर आना चाहूँगी और यहाँ पर लेफ्ट साइड से मैं इसको अच्छी तरीके से इसको जो भी हमने पिन प्लेट्स बनाए थे वहाँ पर इसको इसके नीचे सेफ्टी पिन्स लगाकर सेट करेंगे इस तरीके से। सो देखिएगा हमारे लेफ्ट साइड का पोर्शन भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी हमने पल्लू का पोर्शन बनाया था उसके भी रिंकल्स इसके नीचे आ जाते हैं, बहुत सुंदर ये लुक लगता है। पिन निकालेंगे उसके बाद में एक पिन के साथ में अंदर का जो पोर्शन हमने बनाया था लाया है उसको लाएंगे। ये वाली जो अभी बॉर्डर है उसको कुछ नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर जाना है पीछे की तरफ और यहाँ पर एक पिन लगाकर सेट कर लेना है। सो इस तरीके से सेट करने के बाद यहाँ पर जो रिंकल्स है वो अच्छी दिखाई देने चाहिए, इसीलिए नीचे की तरफ ले जाना है साड़ी के पल्लू को पूरा इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए और रिंकल्स भी आपके इसकी वजह से बहुत सुंदर तरीके से अरेंज होंगे। अब यहाँ पर जो भी अनइवन लुक है उसको भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से सेट करेंगे, इस तरीके से लाएंगे, यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद एक बेल्ट लेंगे और बेल्ट को हम इस तरीके से कमर में लगा लेंगे। तो हमारी जो ड्रेपिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फिनिटी ड्रेप लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कॉन्ट्रास्ट कलर में अगर आपके पल्लू का पोर्शन है तो इसके साथ में ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से लुक आया है। एक तरफ से रिंकल्स आते हैं, सामने की तरफ हमारे प्लेट्स आ जाते हैं, लेफ्ट साइड से पल्लू का पोर्शन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये लुक लगता है। जो भी हमने ड्रेपिंग यहाँ पर पल्लू की थी तो उसके ऊपर की बॉर्डर आप देख सकते हैं कुछ अलग तरीके का यहाँ पर हमारा लुक दिखाई देता है। सो इस तरीके से ये लुक आता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेल्ट के साथ में और भी बढ़िया। अभी हम थर्ड स्टाइल की तरफ चलेंगे। तो इसके लिए एक स्कर्ट मैंने वेयर कर लिया है, कोई भी स्कर्ट आपके पास है तो उसको ज़रूर वेयर कर लीजिएगा, साड़ी पर मैचिंग होगा तो और भी अच्छा दिखाई देगा। अभी यहाँ पर देखिएगा साड़ी का जो एंड वाला कॉर्नर है उसको मैं लूँगी और लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको कुछ प्लेट्स में इस तरीके से अरेंज करना चाहूँगी। अब सिर्फ हमें पल्लू का पोर्शन छोड़ देना है, बाकी की जो साड़ी है उसको सारे प्लेट्स में बना लेना है। अच्छी तरीके से बना लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से अरेंज कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से लुक दिखाई दे, नीट एंड क्लीन आए। अनइवन अगर प्लेट्स दिखाई देते हैं तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। अभी जो भी प्लेट्स बनाए थे उसको कुछ इस तरीके से वन बाय वन हमें अरेंज करना है। सो थोड़ा ही हम इसको फैलाएंगे, ज़्यादा फैलाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा। और बाद में पीछे की तरफ एक पिन लगा ली है। पिन लगा लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको सामने की तरफ टकिन कर दूँगी इकट्ठा। और इकट्ठा टकिन करने के बाद यहाँ पर जो राइट साइड का पोर्शन ये आता है सो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको प्लेट्स बनाकर पीछे की तरफ टकिन कर देंगे। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आता है ये लेफ्ट साइड से आता है तो इसको प्लेट्स में अरेंज करेंगे। ये पल्लू का पोर्शन हमने छोड़ दिया था, प्लेट्स नहीं अरेंज किए थे। सो इसको इस तरीके से बनाएंगे और पीछे से मैं इसको कुछ इस तरीके से लूँगी और यहाँ पर सामने की तरफ से एक पिन लगाकर इसको सेट कर दूँगी।
सो काफ़ी हद तक इसका फ्लफीनेस बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, सो बहुत ब्यूटीफुली लगेगा। सामने की तरफ से भी आप देख सकते हैं, जो भी प्लेट्स हमारी आई हैं उसको भी थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे, ताकि वन बाय वन हमारे जो प्लेटिंग है वो भी यहाँ पर दिखाई दे, और एक बेल्ट लगाने के बाद फाइनली लुक हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। सो बहुत ही ये ब्यूटीफुल लुक हमारा लगता है, और एक वेरा लक्ष्मी ड्रेप इसको हम कहेंगे, साउथ इंडियन स्टाइल लहंगा लुक इसको कहा जाता है। सो इन सारी ड्रेपिंग स्टाइल में से आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।